हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि इधर मैं बना रही हूँ एक स्वीट की रेसिपी। और उसके लिए मैंने दूध को इधर बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो ये दूध मुझे बहुत देर तक बॉईल करना है, और ये दूध जब तक मतलब एकदम जम के खीर टाइप सा बन ना जाए तब तक मुझे इसे बॉईल करना है। और ऐसे एक चम्मच से, या हम लोग खुंती बोलते हैं इसको, किसी भी मतलब किसी की मदद से इसको चलाना है। तो देखिए, दूध बॉईल होते होते एकदम आधा हो गया है। तो ऐसे करके बॉईल करके इसको एकदम कम वाले क्वांटिटी में आएगा ये। तो चलिए, इसको बॉईल करते करते धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे बार बार इसको ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अभी देखिए, बहुत गाढ़ा बन गया है ये दूध। मैं एकदम पास से आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत गाढ़ा बन गया है। देखिए, एकदम खीर जैसा बन गया है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि ये दूध बॉईल करके आधा करना है, इसीलिए तो ये गाढ़ा बन गया है। तो इसीलिए इसमें मैंने ये चीनी भी ऐड किया है। तो इधर 1 लीटर दूध में मैंने आधा कटोरी चीनी डाला है। आप लोग जैसे मीठा खाते हो वैसे उसके हिसाब से आप लोग चीनी डालना। तो अभी देखिए, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन ये धीरे धीरे गाढ़ा बन जाएगा। इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है, येलो टाइप सा हो गया है। आप लोग देख सकते हो, ये एकदम गाढ़ा हो गया है ये। तो मेरा खीर तो रेडी हो गया है। अभी देखिए, इधर एक दूसरे पैन में मैंने तेल डाल दिया है। तो इधर मैंने व्हाइट ऑयल डाल दिया है, आप लोग चाहे तो घी भी डाल सकते हो। और इधर मैंने लिया है कुछ ब्रेड। इस ब्रेड को मैंने चाकू के मदद से कट कर लूंगी। अभी देखिए, ऐसे करके मैंने कट लिया है इसको। अभी इसको ये तेल में मुझे फ्राई करना है। एक एक करके सारे ब्रेड को मैं फ्राई करके लूंगी। सारी ब्रेड मैंने फ्राई करके लिया है दोनों तरफ से। अभी इसको मैं खीर के अंदर डालूंगी और एक साथ अच्छे से मिक्स करके दूंगी। तो चलिए, मिक्स करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। अभी देखिए, एक प्लेट में मैंने इसको ऐसे अच्छे से मतलब डेकोरेशन करके इसको सर्व कर लिया है। तो पहले मैंने ब्रेड डाला है, ऊपर से मैंने ये खीर को डाल दिया है। तो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, और खाने भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। और देखिए, मेरी खाना भी बन गया है। तो खीर बनाने के बाद मैं खाने के लिए खिचड़ी लिया है और दम आलू, और इधर मैं पापड़ को सेक ले रही हूँ। तो ये तो बहुत ही यम्मी खाना है। और इसके साथ मैं थोड़ा सा ले रही हूँ अचार। तो अभी मैं खाना खाने के बाद मिलती हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? तो अब तक तो मैं कैमरा के पीछे से बात कर रही थी क्योंकि मैं खाना वाना बना रही थी और काम भी कर रही थी, तो इसलिए कैमरे के सामने मैं नहीं आ पाई। और आज मैंने आप लोगों से एक रेसिपी, बहुत अच्छी वाली रेसिपी स्वीट की शेयर किया है। तो ये थोड़ा सा जो रूम के अंदर थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि ये जो कर्टेन है इसको मैंने ऐसे कर दिया है, इसलिए बाहर से बहुत धूप आ रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है। सो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो गया है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से। तो आज मैंने एक अच्छी वाली रेसिपी, स्वीट की रेसिपी आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग इस रेसिपी को घर पे एक बार जरूर ट्राई करो। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनी है, हमने खाया भी है। और ये जो रेसिपी है ये मेरी खुद की रेसिपी नहीं है, ये मैंने यूट्यूब वीडियो से देखा था और मुझे बहुत मन था कि ये मैं एक बार घर पे ट्राई करूंगी जरूर। तो आज मौका भी था इसीलिए आज तो कुछ ना कुछ स्वीट बनाना ही था।
और ऐसे काली पूजा हमारे बंगाली में जो है काली पूजा होता है, तो 3 दिन हम लोग एकदम प्योर वेज खाना बनाते हैं घर में। तो आज की बनाई है खिचड़ी, आप लोगों ने देखा खिचड़ी मतलब बंगाली में उसको खिचड़ी बोलते हैं, हिंदी में जिसको खिचड़ी बोलते हैं। तो खिचड़ी और दम आलू और ये स्वीट की रेसिपी मैंने बनाई है और उसके साथ है पापड़। खिचड़ी के साथ पापड़ बहुत अच्छा लगता है, मतलब खिचड़ी आलू दम पापड़ भाजा और मिष्टी, एटाई बनिए थी आज के बंगाली व्यूअर्स देर बोल रहा। सो आज मैंने यही बनाया है और ये जो रेसिपी है इसको आप लोग जरूर एक बार घर पे ट्राई करो, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने भी ट्राई किया, इसको ट्राई किया है और मतलब आप भी ट्राई करके देखो। और बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है और पिनाकी को मैंने दिया था थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, तो पिनाकी बोल रहा है कि बहुत यम्मी बना है, बहुत टेस्टी बना है। सुनचो इनके ऐसो, मैं पिनाकी को बुला रहा था, आप लोग उनसे ही पूछ लो कि ये रेसिपी कैसे बना, मतलब स्वीट की रेसिपी कैसे बना है। आप लोग एक बार देख लीजिए, मामा हेलो करो, हेलो हेलो। सो ये देखिए पिनाकी, वो जो है मिर्ची का पानी कैमन हुए अमेजिंग, इतना मतलब तो मिठाई का कीड़ा हूँ। और मैं आप लोग एक मिनट, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैंने उनको कुछ सिखाया नहीं है। हाँ सच में ये रेसिपी बहुत अच्छी, मतलब एक्चुअली देखिए मैं क्या है कि मैं तो मिठाई का पी रहा हूँ, लेकिन ये मिठाई खाने के बाद वो मिठाई का कीड़ा और भी ज्यादा कीड़ा पलती और बढ़ गए, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी घर पे ट्राई करो, इट वॉज वेरी अमेजिंग स्वीट्स। और तो वो अभी भी थोड़ा सा बच गया है, फ्रिज में रख दिया मैंने, और ठंडा करके खा रहे तो और भी अच्छा लग रहा है। तो जो बात है, आज तो भूत चतुर्दशी है, मतलब हमारे बंगाली में हम लोग तो 3 दिन दिवाली मनाते हैं, काली पूजा के पहले दिन, काली पूजा के दिन और काली पूजा के दूसरे दिन। तो ये 3 दिन हमारे बंगाली में ये काली पूजा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा वैसे 5-6 दिन होता है और काली पूजा 3 दिन होता है। तो ये पिना की मिठाई लाई फिर से, उनको याद आ गया है, वो लेके आ गए। नहीं मैंने बताया उनको, मैंने बताया। ये मुझे भी देना। इसमें जो खीर वाला है ना, खीर है बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना तुम्हें। छोटी पिनाकी के लिए आज मिठाई। फिर क्या, मेरे को तो मिठाई खाना बहुत पसंद है, पूरा खा अमेजिंग। अभी खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, अब थोड़ा सा लो, थोड़ा सा चम्मच है ना, चम्मच से दोना, थोड़ा सा खीर वाला दो, खीर। आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छा बनता है। और हाँ, जो बोले कि मैंने भूत चतुर्दशी, बाहर इतना कटाका फोड़ रहा है और पीहू इतना डर रहा है, मतलब क्या बोलूं आप लोगों को, घर के एक कोने में जाके बैठ गया है। जब पटाखे वाली कोई फेस्टिवल होता है ना, तब पीहू बाहर घर से बाहर निकलता ही नहीं है। सो भूत चतुर्दशी था तो आज मैंने वो दिया थोड़ा सा लगाया, मोमबत्ती, मतलब दिया नहीं लगाया, मोमबत्ती जलाया, क्योंकि कल मैं काली पूजा के दिन दिया लगाऊंगी। सो मोमबत्ती मैं इधर उधर जलाया, क्योंकि हमारे वो बोलते हैं ना, भूत चतुर्दशी के दिन चारों तरफ मतलब अंधेरा नहीं रखना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, इसलिए हम जलाते हैं। मतलब बचपन से मैंने देखा है और सारे बंगाली जो होते हैं ये यही करते हैं, मतलब ये बंगालियों का कुछ रूल्स है, मतलब करते हैं, हमने देखा है। तो मैं भी बंगाली हूं तो हाँ, हमारे ट्रेडिशन में जो है वो तो करना ही पड़ेगा, और भूत चतुर्दशी के दिन ये करना पड़ता है, नहीं तो फिर होता ही जो मतलब पहले से ही होके आ रहा है, जो दादी माँ, हमारे दादी माँ नानी माँ जो करते थे, वो तो हमें करना ही होता है। तो इधर भी मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो पीहू भी नहीं कुछ सीखेगा, तो इसे पीहू के लिए मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि वो हमें देखेगा फिर वो सीखेगा। सो
आज भी तीन दिन मैं दिया लगाती हूँ, तो आज मैं लगाऊंगी, काली पूजा के दिन भी लगाऊंगी और काली पूजा के दूसरे दिन भी हम लोग लगाएंगे दिया। तो कल तो लक्ष्मी पूजा भी है, दीपावली लक्ष्मी पूजा है, तो वो भी मैं करूंगी, छोटा मोटा करूंगी, उसके लिए एक अलग सा ब्लॉग मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो यही बोलना था। और हाँ, धनतेरस के दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन धनतेरस के दिन हमने कुछ खरीदा भी नहीं, लेकिन पिनाकी के ऑफिस से गिफ्ट आया है और ढेर सारा आलमंड्स भी आया है, लेकिन आलमंड्स मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उसको मैंने डब्बे में भर के रख दिया है, लेकिन जो गिफ्ट आया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा गिफ्ट, और एक गिफ्ट के पीछे जो थॉट्स है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। सो मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ क्या क्या मिला है। बहुत अच्छा, मतलब हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट उनकी कंपनी से आती है, इस बार भी आया है, तो मैं आप लोगों का भी दिखाती हूँ। और आज मैंने पहना ये ड्रेस, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो आज मैंने ये स्कर्ट पहना है और इसके ऊपर ये, वैसे पिनाकी मुझे बोलता है कि जीन्स पहनने के लिए, लेकिन मुझे ना सच में जीन्स उतना पहनना, मतलब कोई पहने हुए है तो मुझे देखना अच्छा लगता है, मुझे खुद के पहनने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्कर्ट होता है तो मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, इसलिए मुझे स्कर्ट बहुत पहनना अच्छा लगता है। और मेरी स्कर्ट की कलेक्शन बहुत है, एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो अभी आप लोग देखिए पिनाकी के ऑफिस से क्या गिफ्ट आया है। सो देखिए ये वाला गिफ्ट आया है, ये हम देखते हैं ना शॉपिंग मॉल में, हॉस्पिटल में, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटिंग्विशर। तो इसमें ये क्या होता है, ये पिनाकी अच्छे से आप लोगों को बता पाएगी। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ पहले। और ये देखिए ये बहुत खूबसूरत सा दो लंठन आया है। हाँ ये देखिए बोरोसिल का है। हाँ ये पैक किया हुआ था, लेकिन मैंने उसको पर्दा को लगा दो, नहीं तो अच्छे से लाइट को जला दो, लाइट जला दो थोड़ा सा। हाँ लाइट जला दो, मुझे याद ही नहीं था यार लाइट जलाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है पप्पी को दे, मामा दिखाओ। मैं ये दो लंटर्न आया है, ये बहुत क्यूट सा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है दिवाली के दिन। मैं कल इसको जलाऊंगी, आज मैंने इसको जलाया नहीं है, कल लगा दूंगी कहीं पे। हाँ बहुत अच्छा। और इसके अंदर ना एक कंबल टाइप है, ब्लैंकेट टाइप का है, फायर ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं। इस बार अपने कंपनी का थीम है सेफ्टी, इस बार जो है मेरे कंपनी का थीम है सेफ्टी, क्योंकि ये हमारा कोर वैल्यू हो गया है, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए इस बार कंपनी ने थॉट्स किया है कि सेफ्टी का कोई चीज है, तो इसके लिए एक्सटिंग्विशर दिया है, सेफ्टी ब्लैंकेट दिया है, और ये दिवाली के लिए, और ये है सेफ्टी ब्लैंकेट, और ये वो आग वाग लग जाता है तो इससे मतलब क्या होता है, इससे बुझाते हैं। हाँ इससे बुझाते आग लग जाता है। तो यही गिफ्ट आया है पिनाकी के ऑफिस से इस बार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना मुझे कमेंट करके। और आप लोग ये जो भूत चतुर्दशी है इसको कैसे सेलिब्रेट करते हो मुझे ये भी बताना। और पीहू कब से मतलब मेरे हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश में है। मम्मा हाय करो, बोलो हैप्पी दिवाली। ओ हो, सो हम दोनों ने एक ही कलर का लिपस्टिक लगाया था, लेकिन उसने क्या हुआ वो, नहीं उसको लंटन चाहिए, ले लो ठीक है, लेकिन तोड़ना मत। हाँ तोड़ना मत, इसको दिखाओ ना, दिखाओ। और इसको ना आज ये मन क्या, ये जो स्कूल का टी शर्ट है उसको पहन के बैठेगा, स्कूल का लोग है इधर वही पहनेगा आज, उसका कुछ मन होता है ना तो तुरंत करना होता है। तो बस यही था, और कल भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी लक्ष्मी पूजा का, एक छोटा मोटा ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था, इसलिए सोचा कि आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ। सो बस यही है, हम लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हो मुझे जरूर कमेंट करके आप लोग बताओ। हम लोग वेस्ट बंगाल में होते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, और आज के दिन ना मतलब हमारे बंगालियों में साग जो होता है ना, साग को हिंदी में क्या बोलते हैं, चौदह टाइप का हम साग खाते हैं, साग बोलते हो सब्जी, पत्ते वाले जो होता है ना, पालंग मेथी ये सब जो, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, साग ही बोलते होंगे। तो ये साग 14 टाइप का साग हम लोग एक साथ मिला के एक सब्जी बना के खाते हैं,
और 14 दिया हम लोग जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं हमारे पूर्वजों को 14 दिया पूर्वजों मतलब बंगाली में बोलते हैं उसको हमारे जो पूर्वो पुरुष है मतलब हमारे मतलब अभी तो मेरी शादी हो गई तो मैं जो करूंगी वो मेरी ससुराल के टाइप का मतलब इधर का होगा तो नहीं सिर्फ उन लोग के लिए नहीं हाँ अब मेरी उधर भी कर सकते हैं हाँ तो ये अपने अपने हैं सभी करते हैं तो मेरी जो पूर्व पुरुष है मतलब मेरी पापा के पापा उसके पापा उनके पापा उनके पापा उनके पापा ये जो मतलब जो गुजर गए हैं तो उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए तो हम लोग ये दिया दिखाते हैं दिया जलाते हैं और ये 14 वाले साग जो होता है इसकी भाजी हम लोग खाते हैं नहीं सिर्फ आप अपना पापा पापा ये नहीं है आप अपने और, मामा के घर में भी जो दादा हाँ, मतलब नाना जी है उनके लिए भी आप कर सकते हैं मतलब जो हमारे गुजर गए जो गुजर गए हैं सबके लिए ये सब हम करते हैं क्योंकि उनके आत्मा को शांति मिले तो साल में एक बार आता है तो ये सबको करना ही होता है करना चाहिए एक्चुअली करना चाहिए ट्रेडिशन में हमारे भी मॉडर्न हाँ ट्रेडिशन तो फॉलो करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि पीहू भी ये सब सीखे पीहू भी करे सो हम लोग आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी हम लोग अभी ये वेस्ट बंगाल जा रहे हैं मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं एक्चुअली अभी थोड़ा सा ठीक है पहले और भी ज्यादा खराब हो गई थी अभी थोड़ा सा ठीक है लेकिन उनको मैंने देखा नहीं है और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए कुछ दिन मम्मी के पास होके आती हूँ तो बहुत दिन हो गया मैं गई भी नहीं हूँ और पिनाकी पीहू के बर्थडे के टाइम पे मैं जब गई थी ना वेस्ट बंगाल तो मैं मेरी मायके में ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम मैंने पिनाकी के घर में ही ज्यादा दिन रुका था हम लोग मेरी ससुराल में हम लोग ज्यादा दिन रुके थे और मेरी मम्मी के घर में ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी सिर्फ 2 दिन रुका था उधर तो सोच रही हूँ कि इस बार जाना भी चाहिए क्योंकि मम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी और मैं जा भी नहीं पाई थी इसलिए मैंने पिनाकी को बताया कि कुछ दिन के लिए पीहू के स्कूल की छुट्टी भी हो गई है इसलिए मैंने पिनाकी को बताया कि कुछ दिन हम लोगों को छोड़ के आ जाओ क्योंकि मेरी भाई पहले लेके जाती थी लेकिन अभी वो भी बिजी हो गया है उसका भी शोरूम खुल गया है इसलिए वो भी नहीं आ सकता इतने दूर आने के लिए मतलब आने के लिए 2 दिन जाने के लिए 2 दिन तो लगेगा इसलिए उसको टाइम नहीं है अभी और मेरी पापा भी उनको भी छुट्टी नहीं है तो 2-3 दिन का छुट्टी है वो हम घर जा पाएंगे लेकिन इतने दूर आने के लिए उनके पास उतना दिन नहीं है तो पिनाकी ने छुट्टी लिया है हम लोगों के लिए थैंक यू पिनाकी आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है मतलब बहुत परेशानी लेके अभी ऑफिस से छुट्टी लिया है उन्होंने तो हम लोगों को लेके जाएंगे थोड़ी देर के लिए दिन के लिए सो बस घूम के आते हैं मम्मी के साथ बहुत दिनों से मतलब मम्मी के पास रहना आप लोग समझ सकते हो ना मतलब जो दूर रहते हो वैसे भी जाना नहीं उतना होता है और पिनाकी भी मतलब ससुराल में एक दामाद जैसे आना जाना कोई कोई तो हफ्ते में एक बार दो बार आता जाता है लेकिन पिनाकी मतलब शादी से ही मतलब ऐसा नहीं कि इधर है हम लोग इसीलिए जब वो वेस्ट बंगाल में भी था तभी उतना उनका आना जाना नहीं होता था मतलब उतना वो नहीं गए है ना जॉब के लिए जॉब की वजह से उतना हाँ तो मेरी मम्मी पापा की कंप्लेन उनको रहता ही है कि आप आते नहीं हो रुकते नहीं हो तो हम लोग बताया हमने बताया कि थोड़ी दिन के लिए चलो रुको उनको भी तो मन करता है उन्होंने तो मतलब उनको तो मेरी मम्मी पापा तो उनको बेटा ही मानता है बड़े बेटा मतलब मेरी भाई छोटा उधर ऐसे कुछ टेंशन नहीं है मम्मी की तो ऐसे तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मेरी बहन भी होगी पीहू को संभालने के लिए और मेरी मम्मी के घर में खाना बनाने के लिए एक हाउस हेल्पर है और काम करने के लिए अलग से एक हाउस हेल्पर है तो अब 2 हाउस हेल्पर है उधर तो कुछ टेंशन नहीं है उधर जाके कुछ काम वाम नहीं करना पड़ेगा वैसे भी अभी है इसलिए नहीं मायके में मैं जाती हूँ तो कुछ करती भी नहीं हूँ थोड़ा बहुत मुझे खाना बनाने का शौक है आप लोगों को पता है इसलिए खाना बना मैं कभी कभी बना लूंगी और मेरी हाथ की खाना मेरी मम्मी पापा को बहुत पसंद है मेरी बहन को भी बहुत पसंद है और पिनाकी को तो पसंद है आप लोगों को पता है तो खाना बना कुछ थोड़ा बहुत मैं बनाऊंगी क्योंकि ज्यादा दिन तक खाना नहीं बनाए हुए मैं रह भी नहीं पाऊंगी इसलिए खाना बना बनाऊंगी लेकिन काम वाम तो सब मतलब ऐसा होता है ना इधर हम लोग इतना और पिनाकी को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और उनको ससुराल में जाके रेस्ट मिलता है वो पिनाकी क्या करते है ना ससुराल में जाकर डिस्कवरी चैनल लगा देता है और उनको इधर टीवी देखना नहीं मिलता है ना क्योंकि हम लोग देखने नहीं देते हम देखने नहीं देते फोन देखने नहीं देता इसलिए वो ससुराल जाके टीवी देखता है
और मेरी मम्मी जब उनको खाने के लिए बुलाता है ना, तो मेरी मम्मी को बोलती है माँ मुझे इधर खाना देके जाओ, मैं इधर ही बैठ के खाऊंगी टीवी के सामने। अभी देखो उनकी बुराई कर रही हूँ ना मैं, उनकी मुंह देखो कैसे हो गए, मैं तुम्हारी बुराई कर रही हूँ इसीलिए ऐसे कर रही हूँ। बहुत बुराई हो गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने धनतेरस में क्या क्या खरीदा है वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। आज मुझे हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी उतनी मतलब अच्छे से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, हिंदी बंगाली मिक्स हो रहा है और कैसे कैसे आ रहा है पता नहीं। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लक्ष्मी पूजा ब्लॉग बनाऊंगी मैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और दिवाली में पटाखा फोड़ो लेकिन थोड़ा सा देख के फोड़ो यार, वैसे तो दिवाली साल में एक बार आता है तो सबको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देख के कीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और बच्चे भी होता है, तो ये सब थोड़ा सा देख के आप लोग करेंगे तो ऐसे अच्छे से एंजॉय हो जाएगा। तो चलिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए, और हैप्पी दिवाली, और हैप्पी दिवाली बोल दो थोड़ा सा। हैप्पी दिवाली, आप लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से दिवाली मनाइए, लेकिन सेफली। दिवाली त्योहारों का फेस्टिवल है, दिवाली मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लीज इसको पॉल्यूशन का फेस्टिवल मत बनाइए, साउंड पॉल्यूशन का फेस्टिवल। त्योहार का त्योहार है रंगों, त्योहार है लाइट का, त्योहार है रोशनी का, रोशनी के साथ सबके जिंदगी पे रोशनी आए ये हम लोग कामना करते हैं। मामा हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली बोलो, इसको बहुत खांसी हो गई है। हैप्पी दिवाली बोले फिर ना, बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, क्या बोला हैप्पी, पता पता अच्छे से बोले हैप्पी दिवाली, बोले हैप्पी, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अभी ये कैमरा में आता है ना तो मतलब डिफरेंस मूड में वो एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कैसे कैसे मुंह बनाता है, और ये सब सीखा, वो सारे सब सीखा उसके पापा से। जो जो बुरी बात है ना सब कुछ वो अपने पापा से सीखा है, और जो जो अच्छी बात है सब मेरे से सीखा है ना। बताओ 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 ना, भगवान जाने क्या है क्या नहीं। तुम ऐसे कर रहे हो कि बहुत बेचारे बनते हुए रहते हो घर में, हम लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, ऐसे क्यों दिखा रहे हो यार। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, अभी इसको लेके रिसर्च में बैठ गए क्या? नहीं, एक्चुअली इसको लेके रिसर्च में नहीं बैठ गए, एक्चुअली क्या है कि मेरे को ये बहुत पसंद आया। एक्चुअली ये जो है मतलब एक्चुअली प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, सो मैं वही। ठीक है, बहुत बातें हो गया, मैंने वीडियो को अभी खत्म करना है, बहुत लंबा बन रहा है और ये अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए और बातें नहीं। चलिए बाय बाय, टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।